तपस्या मैडम चौथी शादी की बधाई हो। जी हाँ, आखिरकार तपस्या की चौथी शादी हो ही गई, और वो भी उसके ही एक्स पति देव से। तो बताइए आप लोग कितने खुश हो रहे हैं इस शादी से? तीसरी शादी है मेरी और चौथी शादी है तपस्या की। आई थिंक वो शादी के रीति रिवाज का जो कोटा था वो हमारा पूरा हो गया है काफी अच्छी तरह से। तो अभी एक सेलिब्रेशन, एक पार्टी, पूरी फैमिली साथ में है, सब लोग सुंदर लग रहे हैं, सब लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। ये सिर्फ मिलने जुलने का बहाना है। मीठी और मुक्ता दोनों जन मिलके डिसाइड करते हैं, मुझे ज्यादा गहने पसंद नहीं है, तो इस हिसाब से इयररिंग और बैंगल्स और सारी चीजें चूज की और ये मिस्टर राठौर ने दी है। ओह माय गॉड, अब तक मुझे तो ये इतनी चीजें जो डिसाइड की हुई है और पहनी है। वैसे कपड़ों के अलावा यहाँ और भी काफी कुछ अलग है। और सबके सामने तो दूल्हे राजा को तैयार करके लाई उनकी बेटियाँ। हमारे पास सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि पापा को रेडी करना, पापा को तैयार करना। एंड ही इज ऑलरेडी हैंडसम एंड यंग, सो ज्यादा काम नहीं है कि ज्यादा मेकअप करो, ज्यादा बाल बनाओ या ज्यादा उनको यंग दिखाने की कोशिश करो, तो ज्यादा काम नहीं था। सिर्फ कोट पहनाया, वो लगाया विद अ स्मॉल फ्लावर, वाइट फ्लावर, क्यूट पार्ट है, क्यूट सा फ्लावर। बहुत खुश रही है अपनी होने वाली बीवी के साथ, यानी तपस्या मासी के साथ, और फूलो फलो दूधो नहाओ पूतो फलो, और दो चार बच्चे हैं आपके। वी विल गेट अ स्मॉल सिस्टर, ब्रदर भी वापस एक बहन एक भाई। इस फैमिली में सिर्फ लड़कियां पैदा होती हैं, भाई और बहन। भाई और बहन नहीं सोचा था, इसीलिए तो डिवोर्स दिया था मम्मी। हाँ। को मम्मी के बिना शादी करने मतलब का बहुत लावा नहीं जाता है, फिर भी डिवोर्स दे दिया। तो मतलब इरादा तो यही था कि बड़े बड़े बच्चे तभी शादी करवाएंगे। आप साल डेढ़ साल रुक जाइए, तब इनको इनके आगे बड़े बड़े बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साल डेढ़ साल के ही कहानी का कोटा होता है हमारे पास, उसके बाद हम लोग लीव ले लेते। और तो और मुक्ता ने अपने पापा के गले में वरमाला डालने में अपनी मम्मी की मदद भी की। कान में कुछ कहने के बहाने अपने पापा को झुकाया और फिर तपस्या ने फट से पहना दी वरमाला। शादी पर राठौर ने तपस्या को दो नए वचन भी दिए। मैं हमेशा आपको हमारे सेट की सबसे सुंदर साड़ी और ज्वेलरी दिलवाऊंगा, और पैकअप सबसे पहले आपका होगा, क्योंकि मैं आपके साथ ही सबसे पहले निकल जाऊंगा। इनफ। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस शो के खत्म होने तक एक दो शादियां तो और हो ही जाएंगी।